परना दीदी परना नमस्ते प्रणाम। हमार नाम पूनम देवी, रोशनी जीविका महिला ग्राम संगठन के जीविका मित्र छे, तेरा सम्मुख कार्य करै छी। सब दीदी के प्रणाम। हमार नाम रानी देवी छे, विष्णु जीविका संघ सहिता समूह रे को साथ दियक छी। सब दीदी को प्रणाम। हमार नाम छे अरुणा देवी, विष्णु जीविका संघ सहिता का सचिव। पंचवी देवी, हां आयल छे। आयना देवी, रानी देवी, हां आयल छे। बुलारी देवी, हां आयल छे। मीरा देवी, हाँ पार्वती देवी, हाँ मीरा देवी, हाँ सुनीता देवी, नहीं सुनीता देवी किया नहीं ले सुनीता देवी कसवा गलो छे हमरा कही गलो रे प्रियंका देवी, प्रियंका नहीं लो छे प्रियंका देवी किया नहीं ले नहरा गलो छे हमरा कही दीदी बचत करे सुनीता प्रियंकार पैसा हमरा लग छ लेनी मिला दीदी 120 टका 120 रुपया पूरा भए गेलै बैठक सब करल जाए एक बात सुन ले दीदी सब तू सब अगला सप्ताह अपना पहचान पत्र एपीएल बीपीएल कार्ड जेकरा पास में जे भी सामान छै पर पहचान पत्र लए कऽ तू सब अइबह अगला सप्ताह तोरा सबके एमपीए माइक्रो प्लानिंग करना छै माइक्रो प्लानिंग की छे दीदी बतैयो अगला सप्ताह सब दीदी अपन अपन पहचान पत्र लए कऽ वोटर आई डी कार्ड जेकरा पास आधार कार्ड छै एपीएल बीपीएल कार्ड जेकरा पास जे भी चीज छै अगला सप्ताह लए कऽ 12 दीदी आना छै 12 दीदी के एमपी करबै माइक्रो प्लानिंग जेकरा जे जरूरत हेतै ओहिमे लिखल जेतै आ ओहि सप्ताह सबके बता दे की करना छै अगला सप्ताह हमर साथमे सीसी दीदी भी अयतै और सारा बात तोरा सबके समझा देतो एमपी में सारा दीदी का आना जरूरी है तो ऐसा सब दीदी 12 दीदी एवं अगर एक भी दीदी नहीं हुआ तो एमपी नहीं है तोरा सबके दीदी अगला सप्ताह मने ले के दिए से रानी दीदी बोल रहे का गए था जान पर ले रहा था तीन से हां बोल लो रही है कि मैं पूरा सा नाम नाम दीदी बोल रहे दीदी तोरा सबके बतल रही है पिछला सप्ताह में अपन पहचान पत्र आई डी प्रूफ सब लाल पीला कार्ड पास में छै सब 12 दीदी लेके आना छै सब लेके ले छै ई सब कार्ड के बोलो रे दीदी लाने वास्ते लाल कार्ड पीला कार्ड काटर की हेते आइ रहल छै अभी सीसी दीदी सारा बात अभी बता दे छै तोरा सबके की एकरा बकी करना छै सभी दीदी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम निशी कुमारी है और मैं सीसी पद पे काम कर रही हूँ। मैं कुल्ला खास और सबदलपुर देख रही हूँ। दीदी आप लोग को पिछले बैठक में सीएम दीदी एमपी के बारे में बताई थी ना। दीदी आप लोग जो है ना सब अपना राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पीला कार्ड, लाल कार्ड, जॉब कार्ड ये सब लेके आए हैं ना। पीला कार्ड, बीपीएल कार्ड लेके आए हैं ना। दीदी आज आपके समूह का जो है ना माइक्रो प्लानिंग होना है, यानी सूक्ष्म नियोजन प्रक्रिया होना है, ठीक है। जिसमें जो ना जो कि ये फॉर्म है और इसमें जो ना आपका और आपके परिवार से संबंधित हर एक जानकारी को इसमें भरा जाएगा इस फॉर्म में।
माइक्रोफिलान बारे से दीदी हमरा सनी के कौन लाभ हेते। दीदी आप इसमें यदि आप सही सही जानकारी बताएंगी ठीक है तो आपके और आपके परिवार के आय का जो स्रोत है और उनके जो आपके जो संसाधन है उसका समुचित उपयोग करके आपका आर्थिक और सामाजिक विकास किया जाएगा। इसको भरने की प्रक्रिया को दीदी हम लोग सूक्ष्म नियोजन प्रक्रिया बोलते हैं और इसी को हम लोग MP बोलते हैं। दीदी सही सही जानकारी जो देवे हमें ओकरा से की हेतै। दीदी किसी भी दीदी को किसी काम या उसके जरूरत की पूर्ति के लिए पैसा व अन्य कोई मदद का जरूरत होगा तो दीदी जीविका के तरफ से जो है ना मदद करने का प्रयास किया जाएगा। दीदी हमरा सबके कौन सा मदद मिलते? दीदी आप लोगों को जो है ना ICF ऋण, बैंक ऋण, खेती करने के लिए और प्रशिक्षण दिलाने में और बच्चों को नौकरी दिलाने इत्यादि में आप लोगों को मदद किया जाएगा। तब तो बहुत अच्छा है दीदी, हमरा सबका तो फायदा ही है दीदी। लेकिन यह फायदा तभी होगा जब आप लोग सभी जानकारी सही सही देंगे। ठीक से दीदी, हमारा सब सही सही जानकारी देवे। दीदी आपके समूह में पंचसूत्रा का पालन हो रहा है ना? पंचसूत्रा का पालन करें। ठीक है दीदी, तो कोई दीदी जो है पंचसूत्रा के बारे में बताइए। ठीक है दीदी, हमें बतावे छे नियमित साप्ताहिक बैठक, नियमित साप्ताहिक बचत, नियमित आपसी लेन देन, नियमित ऋण की वापसी, सही सही लेखा जोखा। ठीक है दीदी, तो हम लोग MP का प्रक्रिया शुरू करते हैं। सभी दीदी आ गए हैं ना? हाँ दीदी, सब दीदी उपस्थित है। ठीक है दीदी, तो हम आप लोग को जो ना पहले सूक्ष्म नियोजन प्रक्रिया के बारे में बताते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। सूक्ष्म नियोजन प्रक्रिया क्या है, किसका सूक्ष्म नियोजन प्रक्रिया किसका किया जाता है और इसका उद्देश्य क्या है। सूक्ष्म नियोजन प्रक्रिया कब किया जाता है और कैसे किया जाता है और सूक्ष्म नियोजन प्रक्रिया से क्या लाभ होता है और इस प्रक्रिया में क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ती है। सूक्ष्म नियोजन प्रक्रिया कौन करता है और इस प्रक्रिया में कौन कौन से कागजात का जरूरत पड़ता है। समझ गए दीदी, और इस सब बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक छे दीदी, समझी गेलिए। दीदी सूक्ष्म नियोजन की है छे बताबो। दीदी सूक्ष्म नियोजन प्रक्रिया को ही हम लोग माइक्रो प्लानिंग कहते हैं। इसमें सभी दीदी और उनके परिवार के उपलब्ध संसाधनों का जानकारी लिया जाता है। दीदी संसाधन कौन चीज है बताते? दीदी संसाधन जो है ना चार प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत संसाधन, पारिवारिक संसाधन और जो सामाजिक संसाधन जिसको सामुदायिक संसाधन भी बोलते हैं और प्राकृतिक संसाधन। दीदी हमरा सबके संसाधन का जानकारी से की लाभ हेतै? दीदी संसाधनों का जानकारी लेके ठीक है आपके सामाजिक और आर्थिक विकास का नियोजन प्रक्रिया तैयार करते हैं। इसी दीदी माइक्रो प्लानिंग के उद्देश्य की हुए छे? समूह के सदस्य के पास उपलब्ध सभी जानकारी को लेते हैं, इस प्रक्रिया के माध्यम से उनके आवश्यक जरूरतों की जानकारी प्राप्त करते हैं, नियोजन प्रक्रिया के तहत उनको निर्णय लेने में उनकी मदद करते हैं, इस प्रक्रिया के माध्यम से उनकी प्राथमिकता के आधार पर उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उनके जरूरतों में मदद करते हैं। दीदी सूक्ष्म नियोजन प्रक्रिया में कौन कौन कागज लगे? दीदी इस प्रक्रिया को पूरा करने में वोटर आईडी कार्ड, लाल कार्ड, पीला कार्ड, राशन कार्ड, BPL कार्ड, आधार कार्ड और जॉब कार्ड का जरूरत पड़ता है। सीसी दीदी सूक्ष्म नियोजन प्रक्रिया क्या कर है? दीदी सूक्ष्म नियोजन प्रक्रिया समूह की सभी दीदी का होता है। दीदी सूक्ष्म नियोजन प्रक्रिया कब करल जाय छे? दीदी सूक्ष्म नियोजन तब होय छे जब समूह के दीदी का 3 चरण का प्रशिक्षण भए जाय और समूह जब 2-3 महीना पुराना हो जाय छे तब 2-3 माह के अंदर सूक्ष्म नियोजन कायल जाय छे। दीदी सूक्ष्म नियोजन प्रक्रिया क्या करे छे? दीदी सूक्ष्म नियोजन की क्रिया जो है CC दीदी के द्वारा या ट्रेंड कम्युनिटी कैडर जैसे CM दीदी, बुक कीपर के द्वारा किया जाता है। दीदी सूक्ष्म नियोजन प्रक्रिया केना करे छे? MP की प्रक्रिया 2 दिन में की जाती है। पहले दिन को समूह का बैठक में किया जाता है और उस दिन जो ना सभी दीदी को जो ना उपस्थित होना पड़ता है। दूसरे दिन समूह की दीदी के घर 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 जाके उनके परिवार के साथ बैठकर करते हैं। दीदी इतना तो समझी गई, आगे हमरा सबके एकरा से की लाभ छे? दीदी के पास समुचित संसाधनों का उपयोग एवं बाहरी स्रोतों से आवश्यकताओं में मदद की जाती है। दीदी हमरा सबके कौन कौन मदद मिलते? दीदी इस प्रक्रिया में बैंक से ऋण प्राप्त करना, HRF, FSF का जो मद प्राप्त करना एवं अन्य प्रकार के जरूरतों को पूरा करने में मदद करना। दीदी एकरा में कोई सावधानियों रखल पड़े? हाँ दीदी, एकरा में कौन कौन सावधानी रखे पड़े छे हम बतावे छी तोरा सबके। दीदी सब दीदी के बैठक में उपस्थित होल पड़े छे, दीदी के अपन अपन जानकारी सही सही दल है छे। सब दीदी जे बतेलके और जे कागज तू सब देला सब दीदी के बतावे पड़े छे। ठीक है दीदी, तब हम लोग इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया शुरू करते हैं।
दीदी समूह का नाम बताइए। विष्णु जीविका संस्था। इसका गठन तिथि बताइए दीदी, कब समूह बना है आपका? 9 तारीख 8 दिसंबर 8 अगस्त 2014। गांव का नाम बताइए दीदी। आप लोग का दीदी ग्राम संगठन बन गया है? नहीं। समूह में कितनी दीदी हैं आप लोग? 12। ठीक है दीदी, तो आप लोग बताइए कि आप लोग किस किस जाति से हैं? 5 पिछड़ा जाति, 3 अनुसूचित जाति, 4 अल्पसंख्यक। दीदी आपके समूह का खाता तो खुल गया है? हाँ दीदी, खुल गया। ठीक है दीदी, तो अपना पासबुक दीजिए। ठीक है दीदी, आपके समूह का कितना बैठक हुआ अभी तक? 9 बैठक। दीदी कितना अभी समूह में आप लोग का बचत हुआ है? 10-10। अभी तक आप लोग कितना ऋण का लेन देन किए हैं? 8। ब्याज कितना आया है दीदी? 25 रुपया। दीदी आपके समूह में कितना प्रशिक्षण मिला है? कौन कौन? M1, M2, M3। दीदी अध्यक्ष का नाम बताइए। श्रीमती पंचमी देवी। सचिव का नाम? कोषाध्यक्ष का नाम? श्रीमती रानी देवी। ठीक है दीदी, आप लोग अपना एक एक करके नाम बताइए। अध्यक्ष दीदी आप ही बताइए पहले। श्रीमती पंचमी देवी। सचिव दीदी आप बताइए। श्रीमती अरुणा देवी। कोषाध्यक्ष दीदी आप बताइए। श्रीमती रानी देवी। सही दीदी। सदस्य दीदी अब आप लोग भी अपना अपना नाम बता दीजिए। बताइए दीदी अपना नाम। श्रीमती मीरा देवी। मीरा देवी आप बताइए दीदी अपना नाम। श्रीमती उषा देवी। उषा देवी। पंचमी देवी। तपेश्वर राय। आप बताइए दीदी। अरुणा देवी। अजय। रानी देवी। विजय लाल देवी। मीरा देवी। मनोज देवी। रानी देवी। क्या बोले दीदी? पति का नाम? विजय लाल देवी। ठीक है दीदी। उषा देवी। प्रकाश मंडल बोले दीदी। ठीक है दीदी, तो अब आप लोग जो ना समूह में जुड़ने का तिथि बताइए। एक ही डेट में सब दीदी का जुड़े थे कि अलग अलग भी? एक ही डेट में। 9 अगस्त 2014। ठीक है। ठीक है दीदी, गठन तिथि भी लिखा गया। अब जो है ना सब दीदी अपना अपना उम्र भी बताएंगी। ठीक है। पंचमी देवी दीदी अपना वोटर आईडी कार्ड दीजिए। आपका दीदी 36 साल। ठीक है दीदी। और दीदी दीजिए अपना अपना। अरुणा देवी 30 साल। ठीक है दीदी, तो अब आप लोग का सबका जो ना उम्र भी भरा गया। ठीक है, भर लिए। अब जो है ना अब जाति। ठीक है, ठीक है दीदी, अब ये जो ना शिक्षा वाला इस कॉलम को भरना है, तो आप बताइए कि आप जो है ना आप लोग कितनी कितनी पढ़ी लिखी है? आप 10 का जानते हैं दीदी? और दीदी आप कितनी पढ़ी लिखी है? 10 का जानते हैं। आप दीदी? 10 का जानती हैं। सिर्फ 10 का जानती हैं आप? आपका दीदी? मैं 10 का जानती हूँ। दीदी पढ़ता पढ़ाई। अब ये दीदी बताइए बीपीएल कार्ड किसके किसके पास है? आपके पास है? सब में क्या क्या मिलता है दीदी आप लोग को? चावल, गेहूं, किराशन, ऐसा कुछ मिलता है ना? हाँ। पंचमी देवी आपका?
रानी देवी आपका हो गया। दीदी सबका भरा गया। अब दीदी है परिवार के सदस्य का विवरण देना है, ठीक है। अब आपके जो है ना परिवार में कितने बच्चे हैं, कितने बड़े हैं, उन सब का बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो दीदी पंचमी दीदी आप ही से पहले स्टार्ट करते हैं। आप बताइए आपके कुल कितने सदस्य हैं आप लोग घर में? चार है, ठीक है। कितना लड़का और कितना लड़की? एक लड़का एक लड़की। दोनों वयस्क हैं? दी बेटी का शादी हो गया दीदी? यहाँ नहीं रहती है? तो आप जो है ना आप ही आप है घर में? और मेरा पुतो है। अच्छा आपको पुतो है, ठीक है। यानी दो महिला और दो पुरुष, ठीक है, ठीक है। अरुणा दीदी आप बताइए आपका छः है। कितना बड़ी बच्चा कितना है दीदी? दोनों बयास के या छोटा है? छोटा छोटा है, यानी कि दो लड़का दो लड़की और आप और आपके पति। परिवार के बारे में बताइए दीदी, आपके घर में कितने सदस्य हैं? चार। चार कितना लड़का लड़की कितना है दीदी आपके? पाँच। पाँच है। कितना बयास का और कितना बच्चा है? दोनों बच्चे हैं। लड़की है। लड़की कितनी है? दो दो लड़की है। दो दो लड़की। लड़का? लड़का नहीं है। नहीं है, ठीक है। और आप और आपके पति, ठीक है। दीदी अब जो है ये कॉलम है पारिवारिक स्तर पे व्यवसाय, मतलब कि आप लोग जो है अपने परिवार में कौन से जो है ना यानी रोजगार करते हैं उसके बारे में आपको जानकारी देना है, ठीक है दीदी। तो अब जो है आप लोग अब इस बारे में जानकारी दीजिएगा। अब बताइए दीदी अरुणा देवी, अब बताइए दीदी आप लोग आप क्या करते हैं, आपके घर में कौन क्या क्या करते हैं? क्या देवी बोलिए? अरुणा देवी बोलिए ना। आप सभी खेती करते हैं, ठीक है दीदी। तो अब बताइए कि आप जो है ना खेती करती हैं, ठीक है ना। कितना खेत है आपको? खेत कितना है दीदी बताइए? एक एकड़ अपना है दीदी? जोर से बोलिए। एक एकड़ ना असिंचित जमीन भी है दीदी आपका, जो आप लोग घर बना के रह रहे हैं अभी, वो कितना है? एक कट्ठा। एक कट्ठा अपना है ना दीदी? हाँ अपना है। दीदी अब बताइए सतनी देवी बताइए आपके परिवार में कौन कौन सा रोजगार कौन करते हैं आप? दीदी बेटा मेरा बाहर में करते हैं सिलीगुड़ी में। अच्छा बेटा का बाहर में रहते हैं? हाँ सिलीगुड़ी में रहते हैं। वो कितना रुपया जो है ना? 6000 कमाते हैं। पति भी यही 5000 उठाते हैं, तो दो 3000 घर में देते हैं। पति यही रहते हैं? हाँ यही रहते हैं घर में। दीदी तो आप बताइए कि आपके घर में कितना कमाने वाले हैं? एक जो है जो ना वो बाहर रहते हैं, यही पे रहते हैं। कितना कमाते हैं? खेती करते। खेती करते हैं, उससे कितना होता है? कितना जैसा होता है जैसा होता है जैसा खूब जा होता है उसमें जैसा जितना उपजा होता है। ठीक है दीदी बताइए आपके घर में कितना जमीन है आपको? नहीं है दीदी आपको जमीन? अपना बट्टा पे भी नहीं है? अच्छा तो मवेशी दीदी? एक तो गाय है का? बाहरी स्रोत से कितना कर्ज है? 5000 रुपया। आपके दीदी घर में कोई विकलांग विधवा नहीं है? अच्छा दीदी आपको जो है ना कितना महीने में खाने का दिक्कत हो जाता है? कितना कितना महीना आपको खाने का दिक्कत होता है ये बताइए? दो महीना। दो महीना। आप दीदी आप बताइए? हमारा तो सब दिन 12 महीना। ठीक है पंचमी देवी अरुणा देवी रानी देवी पार्वती देवी मीरा देवी
कमल देवी। ठीक है दीदी, सब दीदी का नाम लिख लिए हैं। ठीक है, आप दीदी बताइए आपको जो है ना क्या चीज़ करने के लिए ऋण चाहिए? बोले तो गाय के लिए। गाय के लिए दीदी, पहले से गाय है दीदी? क्या ठो है? दो ठो है। एक और गाय लेना चाहते हैं? ले ले। गाय खरीदने के लिए दीदी कितना चाहिए आपको रुपया? समझे 15,000। 15,000 रुपया टोटल। गाय कितना में आ जाएगा दीदी आपका? 25 में। 25 में आ जाएगा। आप अपने पास भी कुछ रखे होंगे? हाँ 10,000 रुपया है। 10,000 रुपया है। 15,000 रुपया आपको समूह से चाहिए? इसको दीदी जो 15,000 समूह से लीजिएगा, इसको कैसे किस्त करके आप वापस कीजिएगा? हमारे पास दूध हो रहा है, 500 रुपया महीना करके हम जमा करते जाएंगे। कितना गाय दूध देती है दीदी आपकी? 6 किलो। 6 किलो कैसे वापस कीजिएगा? 500 रुपया। 500 रुपया महीना। और दीदी आप बताइए, आप समूह से क्यों लेना चाहते हैं? खेती करने के लिए। क्या चीज़ खेती कीजिएगा दीदी अभी? मकई का। आप कितना अपना जमीन लिखाए थे दीदी? 1 बीघा लिखाए थे ना मकई का खेती। कितना समूह से लीजिएगा दीदी? 10,000। 10,000। आप कुछ अपना रखे हैं? कितना? 5,000। 15,000 रुपया दीदी आपको लगेगा खेती करने में। कैसे वापस कीजिएगा? 1,000 1,000 करके किस्ती कहते हैं दीजिएगा? दे दीजिएगा ना दीदी? हाँ दे दूँगी। आप दीदी? हम भी हैं। 20,000। 20,000 रुपया समूह से लेना है। किस लिए दीदी? महाजन को। महाजन को देने के लिए आप कर्ज लिए हैं? कर्ज लिए हैं 15,000। 15,000 सैकड़ा पे कर्ज लिए हैं। कितना लीजिएगा समूह से? 20,000। आपके पास कुछ है? कितना रखे हैं? 10,000 रखे हैं। तो पहले दीदी आपको कर्ज है तो कैसे इसको वापस कीजिएगा? कैसे इसको वापस कीजिएगा? मकई लगाए हैं दीदी। आप लोग समूह में नियमित बचत करते हैं? करते हैं। और ऋण का भी वापसी कर दीजिएगा दीदी आप लोग? हाँ। कर दीजिएगा ना आप लोग? हाँ, कर देंगे। ठीक है दीदी। हम मेरा जो है ना ये खंड 3 जो है पृष्ठ भरा गया। ठीक है चलिए, अब जो है ना हम लोग खंड 4 जो है ना भरेंगे। ठीक है, अब इसमें जो है एक है स्वयं सहायता समूह स्तरीय, यानी कि आप लोग समूह स्तर पर ऐसा कोई काम किए हैं समूह में? क्या काम किया? क्या दीदी का बच्चा पढ़ने स्कूल में जाते थे? दीदी का पढ़ने बच्चा नहीं जाती थी? नहीं। तो क्या किए उसमें आप लोग? स्कूल गए सब दीदी मिलकर, स्कूल गए वहाँ पर एडमिशन कराए। एडमिशन करवाए? अभी दीदी जा रहा है आपका बच्चा पढ़ने? भेजते हैं ना? चलिए ठीक है। ठीक है दीदी, अब जो है हम लोग आवेदन पत्र भरेंगे दीदी। ठीक है, आपके समूह का आवेदन पत्र भरेंगे। ठीक है, समूह का नाम जीविका, गठन, खाता संख्या SBI कसुआ। कुल बचत दीदी कितना है? 180। कुल कितना ऋण दिए हैं आप लोग? 800। ठीक है, वापसी दीदी आपका कितना है? 500। 300 रुपया दीदी बाकी भी है। ठीक है, समूह से अपेक्षित राशि 1,60,000 रुपया, बचत 1,080, सामुदायिक निवेश निधि 75,000,
ठीक है अध्यक्ष दीदी, आप जो है ना आप लोग अपना साइन यहाँ कीजिए। कीजिए हाँ, उस दीदी कीजिए वहाँ पे। ठीक है दीदी, ये जो है ना आपका फॉर्म भरा गया है, एमपी का जो है ना आवेदन पत्र आपका भरा गया है, ठीक है ना। अब जो है ना इस पे जो ना मोहर आपका समूह का लग गया है, ठीक है। अब जो है ना अब इसमें कुछ छूटा तो नहीं है दीदी, आप लोग सब सही सही जानकारी दे दिए हैं, किसी से कोई छूटा तो नहीं है। अध्यक्ष दीदी आप कीजिए, ठीक है। कोषाध्यक्ष दीदी ये जो है दीदी आप लोग का जो ना 75,000 ICF करीब, इसमें जो ना 60,000 रुपया जो आपको वापस करना होगा आपके ग्राम संगठन जब बनेंगे, ठीक है। और 15,000 रुपया जो है आपको अपने समूह में रखना है, ठीक है। वो आपका समूह का अपना पूंजी हुआ, ठीक है। ठीक है दीदी, अब जो आपके समूह का जो ये डिमांड आया है, ये जो आपका ऋण का मांग आया है 1,60,000 रुपया, ठीक है दीदी, इसको जो है ना अब जो आपके मांग को पूरा करने का कोशिश किया जाएगा, जिससे आपका सामाजिक आर्थिक और बौद्धिक विकास हो सके। दीदी आप अपने समूह में पंचसूत्रा का पालन करेंगे और अपने समूह को अच्छा से चलाएंगे तो आपको जो है ना बैंक से भी ना ऋण दिलवाने का मदद किया जाएगा, कोशिश किया जाएगा। ठीक है दीदी, एमपी का जो है ना फॉर्म भरा जा चुका है, अब हम लोग आपके घर पे जाएंगे, ठीक है दीदी। दीदी आज का प्रक्रिया समाप्त हो गया है, पहले ही आपको बताया गया है शुरू में कि इस प्रक्रिया में 2 दिन का समय लगता है, और कल सब आप लोग अपने अपने घर में रहिएगा, ठीक है। कल 10 बजे हम लोग सब आपके घर पे जाएंगे। हाँ दीदी, सब दीदी अपना 10 बजे घर में रहे। नमस्ते दीदी। नमस्ते दीदी, बैठिए दीदी बैठिए। कल दीदी माइक्रो प्लानिंग जो हम लोग किए थे, बोले थे ना कि हम आपके घर पे आएंगे, आप अपने जो ना गार्जियन को बुलाइए, ठीक है दीदी। नमस्ते भैया। दीदी आप भी, ये जो भैया हम लोग कल माइक्रो प्लानिंग किया गया था, जो आप दीदी को बता दिया गया था कि दीदी आपके घर पे आएंगे, ठीक है। और इसमें जो डाटा भरा गया है वो देखना चाहते हैं कि ये सही सही भरा गया है कि नहीं, ठीक है। तो दीदी भैया आपके बारे में यहाँ लिखा गया था कि आपको जो है ना एक गाय है, 2 बाछी है, ठीक है, और जो है ना 1 एकड़ जमीन है, ठीक है, और जो है ना आपको राशन कार्ड नहीं है, ठीक है भैया, ये सब है ना, सही है ना, ठीक है। और जो ना आपके बाहरी स्रोत से कर्ज भी कहने का मतलब 5,000 रुपया है, ठीक है, और आपके घर में कोई विधवा विकलांग भी नहीं है, ठीक है, ठीक है, ये सब जितना डाटा है भैया, ठीक है ना। तो जो है ना दीदी बोली थी कि जो ना उनको गाय के लिए जो है ना ऋण चाहिए समूह से, ठीक है, वो 15,000 का डिमांड की थी कि मेरा जो है ना गाय 15,000 में आ जाएगा, मेरे पास 5,000 रुपया है, हम 10,000 हमको समूह से मिल जाएगा तो हमको मेरा गाय खरीदा जाएगा, ठीक है। तो गाय के लिए ही चाहिए था ना भैया आपको, तो इसको जो है ना जो ऋण लीजिएगा भैया तो इसको वापस कीजिएगा ना समूह में, वापस करेंगे, ठीक है। आपका जो है ना दीदी लिखाई है कि 500 रुपया किस्त करके उनको वापस करना है, ठीक है, और अपने समूह में जो ना बचत भी करते रहिएगा आप लोग, ठीक है।